बार नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी विधानसभा से, दो बार विधायक और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के दो बार अध्यक्ष रहे। ज्योत सिंह गुनसोला को टिहरी लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने पर उन्हें लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि मसूरी से पहली बार किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसोला ने टिहरी लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मसूरी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह जनता का प्यार है और आशीर्वाद है कि कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का विशेष आभार व्यक्त किया है और कहा कि लंबे समय से टिहरी लोकसभा की जनता महारानी से त्रस्त है और विकास का सूखा पड़ा हुआ है और पूरी उम्मीद है कि टिहरी की जनता बदलाव की लहर यहां से लाएगी और प्रयास रहेगा कि जनता की आशा और विश्वास पर खरा उतरूं। उन्होंने कहा कि टिहरी से जो परिवर्तन की लहर चलेगी और दिल्ली तक जाएगी, कांग्रेस के पास मुद्दे हैं सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के साथ राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरे देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। महिला और समाज के कमजोर वर्ग पर अत्याचार हो रहा है और उसी की बात कांग्रेस कर रही है। आपको जो है कांग्रेस पार्टी के ने टिहरी लोकसभा से सांसद प्रत्याशी बनाया है, काफी चुनौतियां आपके सामने, तो किस तरीके से लेकर चुनौती? भाई, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, राज्य नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, जिन साथियों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया उन सबका धन्यवाद करता हूँ, जनता का धन्यवाद करता हूँ, पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने एक कार्यकर्ता को जो है मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को ये अवसर प्रदान किया और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनके आशा और विश्वास पर खरा उतरूँ और प्रयास रहेगा कि काफ़ी लंबे समय से जो टिहरी लोकसभा में सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस का, उसको परिवर्तन करके और टिहरी से जो है परिवर्तन की लहर चलेगी और दिल्ली तक परिवर्तन होगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। और जनता भी लंबे समय से जो है मूकदर्शी बनी हुई है, कांग्रेस के मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस कर रही है, राज्य स्तर पर राहुल गांधी जी, खड़गे जी अपना रोज इसमें लगे हैं, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उन सब की बात कर रहे हैं, वीकर सेक्शन में अत्याचार हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं। जिस देश का शीर्ष नेतृत्व, सत्ताधारी शीर्ष नेतृत्व, जिसको आज तक भी एक साल हो गया है मणिपुर की याद नहीं आई, मणिपुर के लोगों के साथ जितना अन्याय हुआ, जितना अत्याचार हुआ, उसके लिए जवाबदार सीधे सीधे जो है ये सत्ताधारी बीजेपी की पार्टी है। क्या वहाँ जाने का नैतिक साहस नहीं जुटा पाए प्रधानमंत्री? सारी दुनिया में घूम के आए पर मणिपुर नहीं जा पाए। मणिपुर में वीकर सेक्शन था, क्रिश्चियनिटी के ऊपर वो हुआ, दूसरे के ऊपर हमला हुआ, कहाँ एक भी शब्द जो है आज तक नहीं बोले। दस साल में अपने मन की बात जरूर करते रहे लोगों से, लेकिन आज तक आपकी कभी प्रेस हुई? किसी प्रेस ने कोई सवाल कर पाया? नहीं कर पाया। आपके क्या मुद्दे रहेंगे कि आप लोकसभा सीट से आपको चुनाव के लिए उतरना पड़ गया है? मुझे लोकसभा टिहरी के मुद्दों के साथ जब जोड़ने की बात आती है तो सबसे पहले पलायन की बात आती है, नौजवान के रोजगार उपलब्ध कराने की बात आएगी, ये मेरी पहली प्राथमिकताएं होंगी। स्कूल होंगे तो मास्टर भी होगा, मास्टर होगा तो बिल्डिंग भी होगी। अगर जनता ने एक तरफा जो है अवसर दिया तो अस्पतालों में भी जो है डॉक्टर होंगे, उपकरण होंगे, ये नहीं कि मैं सिविल हॉस्पिटल की तरह जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें मैं संसद के अंदर भी उठाऊंगा और सड़क पर भी उठाऊंगा। मुद्दे बहुत साफ सुथरे हैं। कौन जवाब दे रहा है महंगाई पे? 100 रुपया अगर आपने परसों सिलेंडर का घटा दिया और 1200 रुपये बढ़ा दिया तो ये कहाँ तक न्यायोचित है? आम जन की थाली खाली पड़ी हुई है, चूल्हा जल नहीं रहा है, उसमें पकने वाली चीज़ें सारी महंगी है, और तब आप कहते हो कि मैं सुशासन दे रहा हूँ, मैं जनता के प्रति। इन बातों से नहीं होगा। 8.5 लाख करोड़ का जो है देश की आर्थिक हानि हुई है, तमाम PCUs, पोर्ट एयरपोर्ट, कोल खदान, है ना, रेलवे,
तमाम चीज़ों को आपने जो पीसीओ जो है कांग्रेस की सरकार ने स्थापित किए थे, नेहरू जी ने स्थापित किए थे, आधुनिक भारत के निर्माता ने स्थापित किए थे, उनको एक एक करके पूंजीपतियों के हाथ जो है नीलामी की जा रही है। जी, जो चीजें सांसद हैं उनके लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं, जनता की चुप्पी दिखाई नहीं दे रही है, किस तरीके से ये सवाल तो भाई जनता उनसे पूछे। गुंसरा जी, बात करें अगर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष यहाँ पे बॉबी पवार हैं, यहाँ पे टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी, आप क्या मानते हैं कांग्रेस को फायदा होगा नुकसान होगा? नहीं, निश्चित है जब कोई प्रत्याशी आता है तो कुछ न कुछ तो नुकसान दोनों पार्टियों को पहुँचाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पहुँचाएगा, लेकिन जो पार्टी सत्ता में है उसको ज़्यादा डेंट लगेगा। 400 पार उनका है, 400 पार का नारा खिसकते खिसकते पता नहीं कितने पे आता, हम नहीं जानते, ये जनता बताएगी।